वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आज हम आपके लिए सार्थक पब्लिकेशन कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का, जैसा आपको देख सकते हैं, बुक का रिव्यू लेके आए हैं। ये इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है और बाकी कॉमन जो जो ब्रांचों में हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। तो पहला जो है आपका है फंक्शनल ग्रामर, 16 पीरियड्स यानी 16 लेक्चर का दिया। इसमें आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन, टेंसेस। और दूसरा दिया है रीडिंग, इसमें आप पढ़ेंगे, आपको करीब से दिखा देते हैं। रीडिंग में आप पढ़ेंगे अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एनहांसमेंट, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बेस्ड अपॉन इन द पैसेज शुड बी कवर्ड अंडर द टॉपिक। इसमें रीडिंग आएगा आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, उसमें आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए जाएंगे, आपको बताने पड़ेंगे, सफिक्स प्रीफिक्स बताने पड़ेंगे जो कि उसी पैराग्राफ से रिलेटेड होने चाहिए। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें दिया है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आप जो कि पढ़ेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है भाई? बिजनेस लेटर, फ्लॉटिंग, कोटेशंस, और आप पढ़ेंगे प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेंट लेटर्स। इन सब टॉपिक्स में आपको लेटर्स लिखने पड़ेंगे। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर क्या होता है भाई? देखो, लेटर टू गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसेस। इसमें थर्ड मेमोज, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आप राइटिंग स्किल में पढ़ेंगे। और ये आपका होगा 24 लेक्चर का। सॉरी गाइस, पहले वाला जो रीडिंग होगा वो 16 लेक्चर का होगा, ये भी आप बताना भूल गए। तो अगले टॉपिक के चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बस इतना ही आपको। तो ये गाइस इतने ही आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं है। इसमें आराम से आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यही पढ़ना है आपको। इसके बाद आइए दिखा देते हैं आगे क्या। आइए, प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल ये हैं आपको, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी फोकस्ड ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन राइटिंग रिपोर्ट एंड मेकिंग प्रेजेंटेशंस। टॉपिक सच एज इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव नॉट टेकिंग ग्रुप डिस्कशन एंड रेगुलर प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट्स नीड टू टफ इन ए प्रोजेक्ट ओरिएंटेड मैनर वेयर द लर्निंग हैपन्स एज बाय प्रोडक्ट। तो ये आपके मतलब बताया गया है। और इसमें क्या है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। तो ये सब आपको स्पीकिंग एंड लिसनिंग है, ये प्रैक्टिकल कराए जाएंगे आपको। तो ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज की तरफ से बताए जाएंगे। तो यही है गाइज इतना सिलेबस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने दिखा दिया आपको। और ये बुक है सार्थक पब्लिकेशन की। आइए आपको इसमें दिखा देते हैं टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है ग्रामर, ग्रामर पोर्शन में आप प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन, टेंसेस ये दिया हुआ है। और यूनिट सेकंड रीडिंग स्किल, जैसा कि हमने आपको इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिया हुआ है, और प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा राइटिंग स्किल, कॉरेस्पॉन्डेंस, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। ये प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, तो ये सब प्रैक्टिकल हैं आपको करने हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। और जाने से पहले इस बुक का हम आपको प्राइस दिखा देते हैं। ये बुक आपको पड़ेगी 200 रुपीज़ का। हम बुक का कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, बस ये बुक अच्छी है। सार्थक पब्लिकेशन की सभी बुक बेस्ट होती हैं। तो ये 200 का, इसमें आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा मार्केट से लेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप परचेस कर सकते हैं। और इसी सिलेबस में हम आपको आगे बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, ताकि हम अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। तब तक इसी से रिलेटेड हम आगे और भी वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।